सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 12 में जब नेहा पेंडसे का इविक्शन हुआ तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया। नेहा पेंडसे के फैंस का सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा फूटा सलमान खान पर बिग बॉस पर। उन्होंने बार बार में कहा कि नेहा पेंडसे को वापस बुला लिया जाए, उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दी जाए। और फैंस की इतनी रिक्वेस्ट के बाद ये खबर छाई हुई थी कि नेहा पेंडसे की वापस से एंट्री हो रही है बिग बॉस सीजन 12 में। और कई दिनों तक ये सुर्खियों में रहा कि नेहा पेंडसे बिग बॉस सीजन 12 में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली है। लेकिन एक वक्त के बाद इस खबर पर भी विराम लग गया। नेहा पेंडसे ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि वो बिग बॉस सीजन 12 में वापस नहीं आ रही है। लेकिन नेहा पेंडसे के फैंस इस खबर को सुनने के बाद काफी खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। दरअसल नेहा पेंडसे की बिग बॉस में एंट्री हो रही है, बट बिग बॉस सीजन 12 में नहीं, बल्कि बिग बॉस मराठी सीजन 2 में। बिग बॉस सीजन 12 में नेहा पेंडसे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करती थी, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखती थी और ना ही उस पर सामने आती थी। बिग बॉस के घर में उन्होंने अपनी क्यूट अदाओं से, अपने ग्लैमर से सभी का दिल जीता था। लेकिन बिग बॉस मराठी 2 में वो अपनी इंटेलिजेंस और अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से निखारते हुए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आएंगी। और हो सकता है कि इस बार वो बिग बॉस मराठी 2 को जीत भी जाएं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।